नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रियलेट परीक्षा का शेड्यूल जारी, 6 अप्रैल से होगी विशेष परीक्षा। बिहार में स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जानिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का होगा आधार नंबर, भू नक्शा ऐप पर मिलेगी सारी जानकारी। युवक का टैलेंट देख कोर्ट ने किया रिहा, जज बोले बिहार पुलिस का एग्जाम निकाला है, जाने दीजिए। शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा, लोगों की शिकायत पर माफी करने पहुंचे सीओ। सासाराम में फल खाने से 40 बच्चे बीमार, एक ही स्कूल के हैं सारे बच्चे। सीएम के गृह जिले में शराब की फैक्ट्री का खुलासा, 2614 बोतल के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। बिहार की शान मगही पान की, अब होगी विदेशों में सप्लाई, चमकेगी किसानों की किस्मत। बिहार में कोरोना की नई लहर से अलर्ट, सख्ती फिर शुरू, बिना मास्क निकले तो लगेगा जुर्माना। बिहार पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे से बड़े खेल की तैयारी में कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी ने नेताओं संग बनाया ये प्लान। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। डीएलएड की विशेष परीक्षा 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। दो पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। पहले पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। बिहार बोर्ड की तरफ से इस विशेष डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि बोर्ड में संबद्धता रखने वाले निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों को संशोधित सत्र में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के साथ साथ निजी प्रशिक्षण कॉलेज के सत्र 2017-19 की आयोजित परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने डीएलएड विशेष परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर 24 मार्च से अपलोड रहेगा। संबंधित कॉलेज के प्राचार्य अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के सीएम के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। मोदी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से बिहार आने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में स्कूल और कॉलेजों को लेकर लोगों में संशय बरकरार है। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित है। बिहार में स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर सीएम नीतीश ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद सीएम नीतीश ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। बिहार सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। होली के अवसर पर लोग विशेष तौर पर अपने घर जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्कूल और कॉलेज को लेकर सीएम नीतीश ने कहा है कि सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है, अभी स्कूल और कॉलेज चलेंगे। यानी कि सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल विद्यालयों और महाविद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र 2021-22 की पढ़ाई अगले महीने से शुरू होने वाली है। इसके लिए स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। क्लास 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं पहले की तरह चलेंगे। जिन स्कूलों ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की कक्षा नहीं शुरू की है, वे भी अप्रैल के पहले सप्ताह में इनकी पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं। वर्तमान सत्र खत्म हो रहा है। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएँ नहीं शुरू हुई है, वे भी नए सत्र से बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं। अब बिहार के जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर होगा। आधार नंबर के समान यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से किसी भी जमीन की जानकारी चंद मिनटों में निकाली जा सकती है। इसकी शुरुआत शेखपुर के एक राजस्व गांव से कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऐप भू नक्शा पर जल्द ही इसको देखा जा सकेगा। इस योजना को लागू करने वाला बिहार 7वां राज्य होगा। यहाँ पर हर प्लॉट को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और इसकी सारी जानकारी भू नक्शा ऐप पर रहेगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर 14 डिजिट का होगा। यह अल्फा न्यूमरिक होगा, यानी इसमें गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर के समान अंक के साथ अक्षर भी शामिल रहेगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ उसके मालिक की पूरी जानकारी इस ऐप में उपलब्ध रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि रियल टाइम नक्शा बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चकबंदी का काम किया जाएगा। बिहार के नालंदा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सजा सुनना किसी अपराध के लिए अंतिम निर्णय नहीं है, ये बात आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस बात को जज मानवेंद्र मिश्रा ने सार्थक साबित कर दिया है। उन्होंने एक टैलेंट आरोपी को इसीलिए रिहाई दे दी क्योंकि बिहार पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया है।
गुरुवार को जज मानवेंद्र मिश्रा ने मारपीट से जुड़े मामले में आरोपित किशोर की महज 13 दिन में सुनवाई पूरी कर रिहाई दे दी। आरोपित युवक को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही के पद पर चयन कर लिया गया है। उसकी मेघा को देखते हुए कोर्ट ने न केवल सिर्फ मुकदमे से रिहाई दी बल्कि एसपी को निर्देश दिया कि नाबालिग के दौरान किए गए अपराध का जिक्र उसके चरित्र प्रमाण पत्र में नहीं किया जाए। छपरा जिले के मसरक प्रखंड में शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का मामला सामने आया है। लोगों की शिकायत पर गंगौली गांव में गुरुवार को सीओ ललित कुमार सिंह और थाना पुलिस जमादार रामचंद्र पासवान शमशान घाट की जमीन की मापी कराने पहुंचे। सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि गंगौली गांव में शमशान भूमि खाता नंबर 145 सर्वे नंबर 3402 रकवा 2 बीघा 17 कट्ठा 17 घुर जमीन पूर्वजों के समय से ग्रामीणों का शमशान घाट है, परंतु गांव के ही देव कुमार सिंह पिता स्वर्गीय सिकिल सिंह के द्वारा शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया गया था और शमशान के उपयोग पर परेशानी पैदा की जा रही थी। शव के दाह संस्कार में गाली गलौज करने लगते हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने सीओ ललित कुमार सिंह से जांच पड़ताल कर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया था। जिसकी जांच पड़ताल की गई तो जमीन गैर मजरूआ मालिक का है, जिसकी मापी करने पर 4 कट्ठा 4 घुर पर कब्जा कर पलानी ईंट का करकट रख कमरा बेड़ी रख दिया गया है। वहीं खाली जमीन को कृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गुरुवार को बिहार के सासाराम में जंगली फल खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए। जंगली फल खाने से बीमार सभी बच्चे बालिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। बीमार बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घटना रोहतास जिले के सासाराम की है, जहां नसरीगंज के बलिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलिया में पढ़ने वाले 40 बच्चे जंगली जहरीला फल खाने से बीमार हो गए। बताया जाता है कि स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चे घर के लिए निकले थे, इसी दौरान रास्ते में कोई जंगली फल खा लिया, जिसके कारण 40 बच्चे उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब के धंधेबाज धड़ल्ले से शराब की बिक्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पुलिस ने कपड़ा की फैक्ट्री में शराब के गोदाम का खुलासा किया है। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करते हुए पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। होली के पहले शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिले के एसपी को कड़ी निर्देश जारी कर रखा है, जिसके बाद से पुलिस सक्रिय दिख रही है। शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सभी थानों में मद निषेध पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कपड़ा फैक्ट्री से 2614 बोतल विदेशी शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बिहार की कुछ बेहद नामचीन पहचानों में एक यहां का मशहूर मगही पान भी है। इसे जीआई टैग प्राप्त है। बाजार में उचित मूल्य न मिल पाने के कारण मगही पान का ज़्यादातर किसान समस्या से घिरे हैं, लेकिन अब मगही पान उत्पादक किसानों को औने पौने दाम में पान के पत्ते को बेचने की मजबूरी नहीं होगी। मगही पान के पत्ते की सप्लाई विदेशों में भी होगी। पान उत्पादक किसानों को अब ज़्यादा मुनाफा होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण व बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बीच टाई अप होने जा रहा है। इससे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मखाना, जर्दालू, आम, करतनी, चावल, लीची व मगही पान का एक्सपोर्ट करने का प्लान है। विदेशों में निर्यात करने के लिए कुछ क्वालिटी टेस्ट की ज़रूरत होती है। टेस्ट में उत्पाद के ओके होने के बाद ही उसका निर्यात किया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रैफिक पुलिस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आई थी। लॉकडाउन जब अनलॉक में बदली तो जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हुई, साथ ही बिना मास्क लगाए चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शिथिल पड़ गई। हाल ही में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर एक बार फिर से पुलिस ने मास्क को लेकर सख्त रवैया अपना लिया है। पटना में लोग मास्क पहनने इसके लिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर से इसके लिए 4 टीमें पूर्व में ही गठित की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों से भी जुर्माना किया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों से ₹50 जुर्माना लिया जाता है। इसके बावजूद लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता की कमी दिख रही है और जुर्माने का डर भी नहीं है। बुधवार को पटना जिले में अलग अलग जगहों से मास्क नहीं पहनने वालों से ₹14,650 जुर्माने के तौर पर वसूले गए।
बिहार पंचायत चुनाव 2021 दलगत आधार पर नहीं होगा। किसी भी पंचायत चुनाव के नाम पर या दल के झंडे के आड़ में चुनाव प्रचार नहीं होगा। बावजूद इसके सभी राजनीतिक दलों ने गांव की सरकार के लिए जोर लगा रखा है। भाजपा, जदयू और राजद की तरह अब कांग्रेस भी पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने की तैयारी में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल फ्रंट में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से खेल करने में जुटा है। दरअसल सभी दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। भले ही पार्टी का झंडा का उपयोग नहीं हो लेकिन प्रत्याशी किसी न किसी राजनीतिक दल का कैडर ही होगा। इस क्रम में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस किस प्रकार भागीदारी करे और किन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी इसको लेकर बुधवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी के प्रभारी भक्त चरणदास की उपस्थिति में बैठक की गई। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।